देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट। इसमें हमें दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू कॉसिक ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है और आइडेंटिटी यूज करनी है कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया है साइन और कॉस में। पहले जब टेन कॉट से कॉसिक होता था तो उसे हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते थे, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा जो आइडेंटिटी इस तरह की आ जाए उसका यूज करके हम इसे प्रूव कर सकें। तो हम पहले लेते हैं LHS, LHS है हमारा cos a माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस वन। अगर हमें कॉसिक और कॉट के फॉर्म में लाना है, आइडेंटिटी यूज करनी है, तो इसको डिवाइड करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से। तो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए से दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारा LHS हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए को डिवाइड करेंगे साइन ए से। तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। अभी हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सभी टर्म को साइन ए से डिवाइड किया तो कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए होगा वन प्लस वन अपॉन साइन ए होगा कॉसिक ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए होगा वन सॉरी ये प्लस है माइनस वन अपॉन साइन ए होगा कॉसिक ए। ये हमारा कॉट और कॉसिक के फॉर्म में आ गया। अब हम यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी बनाने के लिए इसे लिखते हैं कॉट ए एज इट इज माइनस कॉमन लेते तो ये आ गया वन माइनस कॉसिक ए अपॉन कॉट ए एज इट इज और ये आ जाएगा वन माइनस कॉसिक ए। इस यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अब हमें ए माइनस बी और ए प्लस बी दिख रहा है ये। तो यहाँ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाइड कर दें इसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर के यानी कि कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसिक ए। तो यहाँ हम लिखते हैं कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसिक ए और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसिक ए से कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसिक ए से मल्टीप्लाइड किया। यही मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में भी होगा, डिनोमिनेटर है कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसिक ए को मल्टीप्लाइड करना है कॉट ए प्लस सॉरी माइनस वन माइनस कॉसिक ए। तो यहाँ हम देखते हैं ये ए माइनस बी है, ये भी ए माइनस बी है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसिक ए का होल स्क्वायर अपॉन
ये है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉट स्क्वायर a माइनस वन माइनस कॉसिक a का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी जो हमने यहाँ यूज की है, यहाँ तो है a माइनस बी का होल स्क्वायर था और यहाँ हमने यूज किया है a प्लस बी ए माइनस बी। सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया है यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कोसिक ए का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ देखें ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर मीन्स कॉट स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मीन्स वन माइनस कॉसिक ए का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी कि माइनस टू ए की जगह आएगा कॉट ए और बी की जगह आएगा वन माइनस कॉसिक ए अपॉन कॉट स्क्वायर एज इट इज माइनस, ये है वन माइनस कॉसिक ए का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये है ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर मीन्स वन प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉसिक स्क्वायर ए और माइनस टू ए बी मीन्स टू कॉसिक ए, टू कॉसिक ए। अब हमें देखना है लाना क्या है, हमें कॉसिक ए प्लस कॉट ए, नीचे देखते हैं कहीं कॉसिक ए प्लस कॉट ए जैसा कुछ दिखता है हमें, अभी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तब कुछ समझ में आएगा, इसे हम इरेज किए लेते हैं। तो इसे हम यहाँ पर इरेज किए लेते हैं, तो ये है हमारा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन माइनस कॉसिक ए का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कॉसिक स्क्वायर ए और माइनस टू कॉसिक ए माइनस टू कॉट ए, टू कॉट ए का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टू कॉट ए माइनस में टू कॉट ए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू कॉट ए कॉसिक ए, ये न्यूमरेटर का हुआ काम। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे कॉट स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कॉसिक स्क्वायर ए और ये है माइनस माइनस प्लस का टू कॉसिक ए हो जाएगा टू कॉसिक ए। अब हमें देखना है कि आइडेंटिटी कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का यूज कैसे हो पाएगा, तो कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है और यहाँ है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसिक स्क्वायर ए, तो ये कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है वन, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसिक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं माइनस वन। तो डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं माइनस वन माइनस वन प्लस टू कॉसिक ए, फिर से समझ लो कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए वन होता है प्लस का,
तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसिक स्क्वायर ए, यानी कि माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो माइनस वन होगा, तो माइनस वन इसके लिए और माइनस वन ये वाला और प्लस टू कॉसिक ए, तो यहाँ ये होंगे आपके माइनस टू, यानी कि टू कॉमन ले सकोगे तो अंदर आएगा कॉसिक ए माइनस वन, कॉसिक ए माइनस वन जैसा ही तुम्हें कहीं ऊपर दिखना चाहिए, ऊपर से कॉमन लेना होगा। तो अब यहाँ हम देखते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, अब हम देखते हैं न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर में हमें कुछ ऐसे ही मिलना चाहिए, तो ये जो कॉट स्क्वायर ए प्लस वन है इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस वन की जगह कॉसिक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पर, ये कहा है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह कॉसिक स्क्वायर ए यूज करना है, तो यहाँ हमने यूज कर लिया आइडेंटिटी कॉसिक स्क्वायर ए और प्लस कॉसिक स्क्वायर ए माइनस टू कॉसिक ए, ये रहे आपके टू कॉसिक ए टू कॉट ए, माइनस टू यहाँ से कॉमन ले लो तो ये आ गया कॉसिक ए प्लस कॉट ए, और इसका कुछ नहीं होगा एज इट इज रहने दो, टू कॉट ए कॉसिक ए, टू कॉट ए कॉसिक ए। अब हम देखते हैं ये कॉसिक स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए, हम टू कॉसिक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, टू कॉसिक स्क्वायर ए, और इनको भी पास में लिखे लेते हैं प्लस टू कॉट ए कॉसिक ए, और ये रहे आपके माइनस टू ब्रैकेट में कॉसिक ए प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में होगा माइनस 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 का टू प्लस टू कॉसिक ए। आगे हमें दिखाई दे रहा है कि ये टू कॉसिक स्क्वायर ए और ये टू कॉट ए कॉसिक ए, यहाँ से हम टू कॉसिक ए कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो टू कॉसिक ए हमने कॉमन लिया, टू कॉसिक ए कॉमन जब लेंगे तो यहाँ से बचेगा कॉसिक ए और यहाँ से बचेगा टू कॉसिक ए कॉमन लिया है तो कॉट ए माइनस टू कॉसिक ए प्लस कॉट ए एज इट इज, तो डिनोमिनेटर में भी हम वही रहने देते हैं, डिनोमिनेटर है हमारा, यहाँ कुछ कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी टू हमने कॉमन लिया तो ये आ गया कॉसिक ए माइनस वन, कॉसिक ए माइनस वन, टू कॉमन लेने पर यहाँ माइनस वन यहाँ कॉसिक ए आएगा। अब हमें दिखाई देता है कि कॉसिक ए प्लस कॉट ए इस टर्म में भी है और कॉसिक ए प्लस कॉट ए इस टर्म में भी है, तो हमें कॉमन ले लेना चाहिए टू कॉसिक ए प्लस कॉट ए, हम यहाँ कॉमन लिए लेते टू कॉसिक ए कॉसिक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया हमने, तो हमें मिलता है टू टू ये कॉसिक ए प्लस कॉट ए, ये कॉसिक ए यहाँ से मिला कॉसिक ए, और यहाँ मिलेगा आपको माइनस टू जब कॉमन ले लिया तो माइनस वन, और डिनोमिनेटर में है टू कॉसिक ए माइनस वन। अब आपको दिखाई दे रहा है कि टू ये कैंसिल हो गए, कॉसिक ए माइनस ये कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू आ गया कॉसिक ए प्लस कॉट ए, और यही है आपका आर एच एस। एक बार फिर से देख लें, हमसे कहा था कि आइडेंटिटी यूज करनी है कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो सबसे पहले हमने एल एच एस लिया, एल एच एस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड किया, जब इन्हें साइन ए से डिवाइड किया तो हमें ये कॉसिक और कॉट के फॉर्म में मिले, और जब कॉसिक और कॉट के फॉर्म में मिले तो इनको हमने सॉल्व किया, तो आइडेंटिटी हमारी
खुल करके आती हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए कॉट ए प्लस टू कॉट ए कोसेक ए। तो यहाँ आइडेंटिटी हम यूज किए, वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए इसकी जगह हमने यूज किया, तो कोसेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए हो गए टू कोसेक स्क्वायर ए, और ये वाला जो टू कॉट ए कोसेक ए था उसमें से टू कोसेक ए जब कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा कोसेक ए और यहाँ मिला हमें कॉट ए, और यहाँ हमने माइनस टू कॉमन पहले ले लिए थे तो एक ब्रैकेट और मिल गया हमें कोसेक ए और कॉट ए का, और जब हमने कोसेक ए और कॉट ए और टू कॉमन लिया तो यहाँ से तो मिला हमें कोसेक ए, और यहाँ जब सारा चला गया तो माइनस वन, और नीचे ये कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को हमने लिखा था माइनस वन, माइनस वन पहले से था तो ये माइनस टू हो गया, फिर हमने टू कॉमन लिया तो ये कोसेक ए माइनस वन बचा, तो टू कोसेक ए माइनस वन ये कैंसिल हो गए तो बचा आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही था आरएचएस। नोट कर सकते हैं, देखते हैं सिक्स्थ पार्ट दिया है, रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो एल एच एस लेना होगा हमें, यहाँ इक्वल टू है वन प्लस साइन ए और वन माइनस साइन ए। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो यहाँ हम इसके डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट है उससे मल्टीप्लाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो वन माइनस साइन ए का हो जाएगा वन प्लस साइन ए, तो दोनों को मल्टीप्लाइड कर दिया वन प्लस साइन ए से, और यहाँ था स्क्वायर रूट भी इसका। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये रहा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ होगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आइडेंटिटी हमने जो यूज की यहाँ पर ये है, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी, तो इक्वल टू ये हो गया वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस साइन ए, कॉस स्क्वायर ए का कॉस ए बाहर आएगा तो ये हो गया कॉस ए इक्वल टू, डिवाइड करेंगे दोनों को वन अपॉन कॉस ए होगा यहाँ प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होगा, वन अपॉन कॉस ए को कहते हैं सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए को कहते हैं टेन ए। तो यही है आपका आर एच एस, सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ हमने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन किया दोनों में, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट से बाहर आ गया a प्लस बी, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, यानी कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और वन माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट लिया तो आया कॉस ए, तो आपने लिखा यहाँ पर वन अपॉन कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए, वन अपॉन कॉस ए होता है सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए। नोट इट, देखते हैं सेवेंथ पार्ट, इसमें दिया है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो लेना होगा हमें एल एच एस, एल एच एस है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा
यहाँ हमें कॉमन दिखाई दे रहा साइन थीटा, तो मैंने कॉमन ले लिया साइन थीटा, तो यहाँ बचेगा 1 - 2 sin² थीटा, और यहाँ से हमें कॉमन दिखाई दे रहा कॉस थीटा, तो यहाँ बचेगा 2 cos² थीटा माइनस 1, तो साइन अपॉन कॉस होता है 10 थीटा, और यहाँ हमें देखना होगा कि सिंस आइडेंटिटी यूज होगी cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos² थीटा माइनस 1, ये भी होता है, और इक्वल टू ये भी होता है 1 - 2 sin² थीटा। तो यहाँ पर भी हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी cos 2 थीटा लिख सकते हैं, दोनों कैंसिल होंगे तो आपको मिलेगा 10 थीटा, और यही है आपका RHS। तो इसमें हमने साइन थीटा कॉमन लिया था, साइन थीटा न्यूमरेटर से और कॉस थीटा डिनोमिनेटर से, तो यहाँ आया 1 - 2 sin² थीटा, और डिनोमिनेटर में मिला 2 cos² थीटा - 1, तो आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा = 2 cos² थीटा - 1, और 1 - 2 sin² थीटा, दोनों जगह यूज किया, कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा कैंसिल हुए, तो आंसर आएगा 10 थीटा। नोट इट। देखते हैं 8th पार्ट जो है sin A + cos A² + cos A + sec² = 7 + tan² A + cot² A। तो अगर हम इनका होल स्क्वायर ओपन कर दें, LHS पहले लेते हैं इक्वल टू sin A + cos A² = जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ आएगा sin² A, ये था sin A + cos A, cos A + sec A, cos A + sec A, तो ओपन करेंगे sin² A + cosec² A, और ये होगा 2 sin A cos A + 2 sin A cos A। इसी तरह से इसका ओपन करेंगे होल स्क्वायर, तो a² + b² - cos² A + sec² A + 2 cos A sec A। अब हमें जो लाना है उसको देखें, हमें 10² A + cot² A लाना है, तो 10² A + cot² A मिलेगा यहाँ से, cosec² A = होता है 1 + cot² A, तो इनको हमने लिखा साथ में sin² A + cos² A को + cos² A को एक साथ लिखा, cosec² A को लिखा 1 + cot² A + sec² A को लिख सकते हैं 1 + tan² A, और आगे आता है हमारा 2 sin A cos A, ये 2 sin A cos A नहीं है, 2 sin A cosec A, 2 sin A cosec A, 2 sin A cosec A, और ये था 2 sec cos A sec A। हमने sin² A + cos² A लिख लिया, हमने cosec² A को 1 + cot² A लिखा, और sec² A को 1 + tan² A लिखा, और ये हैं जो 2 sin A × 1/cosec के लिखे हम 1/sin A, और इसी तरह से 2 cos A × sec A को लिखें 1/cos A, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
अब हमें यहाँ से मिलता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है प्लस वन होता है प्लस ये कॉट स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस ये टू यहाँ से और टू यहाँ से तो टू प्लस टू। अब अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो मुझे लगता है कि आंसर आने को होगा टू प्लस टू फोर फाइव सिक्स और सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आया आपका आंसर इक्वल टू इसे लिखेंगे आर एच एस। तो मैंने पहले होल स्क्वायर ओपन किए, स्क्वायर ओपन करने के बाद कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ही लिखा और सेक स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ही लिखा। बाद में साइन ए कॉस ए के हैं तो वन अपोन साइन ए से ये कैंसिल होके टू यहाँ से मिले, वन अपोन कॉस ए कैंसिल होके टू यहाँ से मिले और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन हुआ तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस टू प्लस टू यानी कि सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए मीन्स आर एच एस आपका आ चुका है। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव का नाइन्थ पार्ट। कॉस ए के माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है तो इसे हम सेपरेटली एल एच एस और आर एच एस दोनों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं एल एच एस जो है कॉस ए के माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, इसको जब हम क्या करना है हमें पहले साइन और कॉस में चेंज कर लें तो ये हुआ वन अपॉन साइन ए और ये हुआ माइनस साइन ए, ये है वन अपॉन कॉस ए और यहाँ है माइनस कॉस ए। दोनों जगह एलसीएम लेंगे, साइन ए आया और यहाँ से कॉस ए आएगा एलसीएम, साइन ए से साइन ए कैंसिल वन, ये वन से साइन ए टाइम कैंसिल तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए और यहाँ से मिलेगा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कहते हैं कॉस स्क्वायर ए और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को कहते हैं साइन स्क्वायर ए और अपोन है साइन ए कॉस ए, तो ये वन टाइम दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा आपका साइन ए कॉस ए। इसको हम और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, इतने ही छोड़ देते। अब लेते हैं आर एच एस, तो आर एच एस है आपका वन अपोन टेन ए प्लस कॉट ए, इन्हें चेंज करेंगे साइन और कॉस में तो साइन ए अपोन कॉस ए प्लस कॉस ए अपोन साइन ए, तो वन को एज इट इज एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आएगा एलसीएम साइन ए कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल साइन ए हुआ है तो ये साइन स्क्वायर ए हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल ये कॉस स्क्वायर ए होगा तो आपको वैल्यू मिलती है वन अपोन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है अपोन साइन ए कॉस ए, ये जाएगा ऊपर तो मिलेगा आपको साइन ए कॉस ए, यही है आपका एल एच एस। तो लिख सकते हो हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये आपका मिला एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। नोटेड। देखते हैं टेंथ पार्ट इसका, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपोन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए वन माइनस टेन ए अपोन वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए के। तो पहले हम लेते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपोन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए,
इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए, यूज करेंगे आइडेंटिटी, ये सेक स्क्वायर ए होगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कॉसिक स्क्वायर ए होगा, यहाँ हम लिखेंगे सिंस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू वन होता है और कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू वन होता है, तो ये दोनों आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर अपॉन कॉसिक स्क्वायर हुआ, सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसिक स्क्वायर को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर जाएगा वन के पास, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये होता है आपका टेन स्क्वायर ए। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अब हम लेते हैं वन माइनस टेन ए, वन माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस वन माइनस कॉट ए का स्क्वायर, तो इनको हम चेंज कर लें साइन और कोस में, तो हमने लिखा यहाँ पर वन माइनस साइन ए अपॉन कोस ए और वन माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, ये स्क्वायर है इक्वल टू एलसीएम लेंगे कोस ए आएगा, यहाँ मिलेगा हमें कोस ए माइनस साइन ए और यहाँ एलसीएम आएगा साइन ए, तो यहाँ मिलेगा हमें साइन ए माइनस कोस ए। तो ये इसके पास में जाएगा तो माइनस है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों टर्म को, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तब ये कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो इसे समझ लेना कि ये माइनस कॉमन ले लिया, तो अब ये यहाँ बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी कि टेन ए का होल स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर ए, यही हमें प्रूव करना था। तो हम लिख सकते हैं हेंस वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ये प्रूव हुआ, नोट कर लें।